सोशल मीडिया पर कबीर पंथ के आचार्य श्री हुजूर प्रकाश मुनि साहिब के नाम से फर्जी आईडी बनाकर कबीर पंथ को बदनाम करने वाले पर आक्रोशित कबीर समाज के लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। श्री सदगुरु कबीरदास धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा के बैनर तले कबीर पंथ समाज के लोगों ने आक्रोश जताया और बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दोषी पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कबीर पंथ के आचार्य हुजूर प्रकाश मुनि साहब के नाम से सोशल मीडिया में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर कबीर पंथ को बदनाम कर सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील और अनर्गल पोस्ट करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर फर्जी फेसबुक आईडी को तत्काल बंद किए जाने की मांग की गई है और साथ ही आक्रोश जताया गया है। मीडिया के समक्ष समाज के पदाधिकारियों ने अपनी पीड़ा बयां की। और उर्ला गांव में रहती हूं, वो संत पहले हमारे बीच में, वह साहू का साहू है, सारवा डॉक्टर सारवा साहू, जिसने पहले वहाँ किराए से डॉक्टरी खोला। उसके बाद हम समस्त कबीरपंथी वहाँ जाकर अपना इलाज कराते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना भेद साधु का बनाया। उन्होंने कहा कि यहाँ एक आश्रम होना चाहिए, कबीर कुटी होना चाहिए। हम सब ने मिलकर, हमारे जितने भी गांव के सदस्य हैं, बुजुर्ग लोग, पुरुष वर्ग लोग, सब उनका सहयोग किए और सहयोग करके वहाँ जो सरकारी ज़मीन है, 1 एकड़ 30 डिसमिल है, वह 10 साल से वहाँ रह रहा है। हम सोचे कि वह संत है, आज है कल नहीं रहेगा, इसके लिए हम ध्यान नहीं दिए सर। और आज हम सब कबीरपंथ धर्मनगर दामाखेड़ा के मानने वाले हैं। हम चौका आरती को महत्व देते हैं और वह संत का कहना है कि हम चौका आरती को महत्व नहीं देते। तो हम कलेक्टर साहब से और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो हमारे गाँव में समस्त कबीरपंथ समाज का जो आश्रम है, वह आश्रम में हम सब का कार्य भी अच्छे से हो, हम सत्संग भजन चौका आरती करा सके, इसके लिए हम मांग करते हैं सर। वह संत दूसरे गांव का है, व्यक्तिगत अकेला है और पूरा जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, 90 से 100% तक कबीरपंथी हैं, चौका आरती को महत्व देता है। वह एक अकेला सबके घर में जा कर रहता था, सबके चौका आरती में सम्मिलित होता था। हम सब ने कहा वह साहू है, वह हमारे देश का है, हमारे गांव का है, तो हम उसको सहयोग करें। लेकिन आज हम यही चाहते हैं सर, उसको हम खाली कराना चाहते हैं, वह अपना अलग से आश्रम बना ले और अपन अलग से रहे। लेकिन हमारे समस्त कबीरपंथ समाज को वह जमीन प्रदान करने में हम उससे निवेदन कर रहे हैं। आज हमारे कबीरपंथी समाज और दुर्ग कलेक्टर पहुँचे हुए हैं, जो हमारे पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के नाम से कुछ असामाजिक तत्व जो है साहब के नाम से फेसबुक आईडी बनाया हुआ है और उस आईडी में हमारे पूजनीय गुरु माता की डीपी में फ़ोटो डाला गया है और अश्लील अमर्यादित उसमें पोस्ट किया गया है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व के जो व्यक्ति हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें, उसे गिरफ्तार करें और हमारी यही मांग है कि उनको जल्द से जल्द सजा भी दिया जाए। जो हमारे आचार्य, हमारे पूज्य गुरुदेव, जो हमारे कबीर पंथ के आचार्य हैं, उनके नाम से फेसबुक जो आईडी बनाए हैं उनके ऊपर तुरंत कार्यवाही करने के लिए आज हम दुर्ग जिला के कबीरपंथी समाज, हमारे प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष प्रमोद साहू जी, हमारे महंत दुष्यंत साहब जी, महंत रूपकला साहब और पूरे तमाम कबीरपंथी समाज दुर्ग जिला के यहाँ उपस्थित है। हम आदरणीय शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो फेसबुक आईडी जो बनाए हमारे पूज्य गुरुदेव के नाम से, उस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा से हमारे पंच आचार्य प्रकाश मुनि नाम साहब जी और हमारे परम वंदनीय माता गुरु माता मनीषा माता का फोटो डाला गया है, अमर्यादित शब्द लिखे हैं और अपने आप को पैसा वाला बता रहे हैं, वो बहुत गलत लिखे हैं। और हम सब कबीरपंथी दुर्ग जिला के आमीन माता महिला मंडल, शाखा समिति नयक मंडल, कबीरपंथ समाज सब मिलकर इसको तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए, उसको पकड़ा जाए, वो कहाँ से डाले हैं, कैसे हैं, उसका तुरंत पता लगाया जाए। इसी के लिए हम लोग पूरा कबीरपंथी आए हैं। अगर आप लोग तत्काल नहीं करोगे तो हम लोग चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का अपमान हुआ है। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब जी का फेक आईडी फेसबुक में बना के अजब दास अगम दास नामक व्यक्ति ने
उसमें अनर्गल माता साहब जी का तस्वीर लगा के अनर्गल टिप्पणी किया है, इसके विरुद्ध में हम लोग सभी उसके ऊपर FIR दर्ज करवाने के लिए आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। और यह ज्ञापन संपूर्ण जिलों में साथ साथ छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे अन्य प्रांतों भी यह ज्ञापन दिया जा रहा है, ताकि उसके ऊपर तत्काल जल्द से जल्द कार्यवाही किया जा सके। अगर उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होता तो आगामी समय में हम लोगों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रेनेसियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।